हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी निर्णय अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी तैयारी के क्रम में होंगे और आज से हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना शुरू करेंगे। मित्रों, लगभग परीक्षाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका अच्छी खासी होती है। ध्यान देगा, अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इसको एक बार इसका कंसेप्ट को समझ लिया जाए तो लगभग जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट से जोड़ करके देखे जाते हैं, पूछे जाएंगे, यानी लगभग उसको हम लोग करंट से, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर एक बार आपने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया तो लगभग अर्थशास्त्र के यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे क्लियर होते चले जाएंगे। तो मित्रों देखें, हम लोग सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था को ये समझे कि अर्थव्यवस्था जो है का एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो मित्रों, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसको बोलते हैं एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। एडम स्मिथ जो है ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, यानी ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ये आपके एडम स्मिथ कहां के थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आपका वेल्थ ऑफ नेशन नामक। इन्होंने एक किताब लिखा, एक पुस्तक लिखा और इसी पुस्तक में इन्होंने बताया क्या इन्होंने इस पुस्तक में बताया कि अर्थव्यवस्था को चलाता कौन है, यानी अर्थव्यवस्था का संचालन करता कौन है। तो उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था को चलाने की जो शक्ति है वह कौन करता है, तो एक अदृश्य शक्ति करती है। यानी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम एक अदृश्य शक्ति करती है और उस अदृश्य शक्ति का नाम क्या है? तो उस अदृश्य शक्ति का नाम है क्या? उस अदृश्य शक्ति का नाम है मांग और पूर्ति। उस अदृश्य शक्ति है कौन? बाजार को चला कौन रहा है कि कभी टमाटर 40 रुपए केजी तो कभी टमाटर 200 रुपए केजी और कभी टमाटर 5 रुपए केजी। ये कौन कर रहा है? तो हमको लगेगा सरकार कर रही है, हमें लगेगा व्यापारी कर रही है, जबकि वास्तव में न तो इसको सरकार कर रही है न ही व्यापारी कर रहा है, बल्कि कर रहा है डिमांड और सप्लाई करता है, मांग और पूर्ति कर रहा है। यानी जिस वस्तु का उत्पादन ज्यादा होगा उसका क्या होगा? बाजार में रेट कम हो जाएगा। जिस वस्तु का उत्पादन कम होगा यानी डिमांड और सप्लाई डिमांड किस चीज की ज्यादा हो, शादी बारात का सीजन चल रहा है और पनीर का डिमांड बढ़ गया तो नो डाउट क्या होगा, पनीर की अगर मांग बढ़ी और सप्लाई तुलना में कम है तो रेट क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। या फिर किसी की सप्लाई बढ़ जाए तो रेट कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाए तो। कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले एडम स्मिथ नामक विद्वान ने ही अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात का अध्ययन किया कि बाजार का संचालन कौन करता है, यानी बाजार का संचालन कौन करता है, एक अदृश्य शक्ति करती है और वह अदृश्य शक्ति कौन है, तो वह अदृश्य शक्ति है डिमांड और सप्लाई। इसीलिए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। मित्रों, ये तो हमने एक सामान्य पॉइंट देखा। अब अगर हम लोग ये देखें कि आखिरकार अर्थ जो व्यवस्था है उसका डिवीजन, अर्थशास्त्र का जो डिवीजन होता है तो वो कैसे किया गया, तो अर्थशास्त्र का जो डिवीजन हुआ है वह अर्थशास्त्र का जो डिवीजन होता है वह कई आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले यानी अर्थशास्त्र का विभाजन, तो हम पहले विभाजन करेंगे स्वामित्व के आधार पर। अगर हम अर्थशास्त्र का विभाजन करते हैं तो अर्थव्यवस्था तीन भागों में विभाजित होती है। नंबर एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जो तीसरी अर्थव्यवस्था है वह कौन सी है, तो वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी स्वामित्व के आधार पर कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जो तीसरी अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस आधार पर हमने बांटा इसका, स्वामित्व के आधार पर, यानी इस अर्थव्यवस्था में स्वामित्व किसका होगा, इस अर्थव्यवस्था में स्वामित्व किसका होगा, इस अर्थव्यवस्था में स्वामित्व किसका होगा, इस आधार पर। अब सबसे पहले हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। देखें कंसेप्ट को समझे, यहां पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट आधारित प्रश्न होते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है किन प्रश्नों के उत्तर को देखा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है क्या, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन कौन करेगा, तो निजी लोग करते हैं, प्राइवेट लोग करते हैं। यानी उत्पादन कौन करेगा, तो प्राइवेट लोग या निजी लोग करते हैं। अगर यानी निजी लोग उत्पादन करेंगे, अर्थात कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि अगर स्कूल खोलेगा, यानी स्कूल में उत्पादन, स्कूल खोला जाएगा तो कौन खोलेगा वह स्कूल को, कौन खोलेगा, निजी लोग, कोई प्राइवेट व्यक्ति खोलेगा। कोई फैक्ट्री खोलेगा तो कौन खोलेगा, कोई निजी लोग खोलेंगे। अगर यानी कहने का तात्पर्य यह कि अगर जो है जो भी प्रोडक्शन होगा वह कौन करेगा, तो राइट उत्तर क्या होगा, आपका जो राइट उत्तर होगा वह क्या होगा, आपका प्राइवेट सेक्टर के लोग करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो स्वामित्व होगा वो कौन करेगा, वो प्राइवेट लोग रखेंगे, प्राइवेट लोगों के पास में होगा। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व किसके पास में होता है, तो प्राइवेट लोगों के पास में, निजी लोगों के पास में होगा। उत्पादन कौन करेगा, सड़क कौन बनाएगा, स्कूल कौन बनाएगा, अस्पताल कौन खोलेगा, फैक्ट्री कौन लगाएगा, तो कौन करेगा, प्राइवेट लोग करेंगे। अर्थात कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व किसका होगा, प्राइवेट लोगों का होगा। उत्पादन क्यों प्राइवेट लोग, कोई पूंजीपति, प्राइवेट लोग का मतलब पूंजीपति, कैपिटलिस्ट लोग होंगे। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन किस उद्देश्य से किया जाएगा, उद्देश्य क्या होगा उत्पादन का, तो उत्पादन का उद्देश्य होगा लाभ कमाना, लाभ प्राप्त करना उद्देश्य होगा। यानी अगर कोई स्कूल खोला जाएगा तो स्कूल का उद्देश्य परोपकार नहीं होगा, अस्पताल का उद्देश्य परोपकार नहीं होगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजीपति इन्वेस्टमेंट करता है। अगर सड़क खोला जाए, सड़क बनाया जाएगा या फिर कोई फैक्ट्री लगेगा, तो वहां पर उद्देश्य जन कल्याण करना नहीं बल्कि लाभ कमाना। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो उत्तर देना क्या है आपको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना। उत्पादन कौन करेगा, प्राइवेट करेंगे। स्वामित्व किसके पास में होगा, तो उत्तर होगा इसके पास में, तो आपका निजी लोगों के हाथ में होगा। ध्यान दीजिएगा, अब अगर सारा काम पूंजीपति कर रहा है तो फिर राज्य क्या करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका न्यूनतम होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका न्यूनतम। जैसे हम सबके अगर भारत की बात करें तो राज्य की भूमिका तो बहुत ज्यादा है। सरकार 2-3 रुपया के जी आज भी दे रही है, स्कूल भी खोल रही है, अस्पताल भी खोल रही है, सब कर रही है, क्योंकि भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
नहीं है। ये अमेरिका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी यहां पर राज्य की भूमिका न्यूनतम होगा, अर्थात न्यूनतम इतना होगा कि राज्य क्या होगा, राज्य नाइट वॉचमैन की भूमिका निभाएगा, अर्थात रात्रि प्रहरी की भूमिका निभाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि किस अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका न्यूनतम होती है, तो उत्तर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किस अर्थव्यवस्था में राज्य रात्रि प्रहरी की भूमिका निभाता है, तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर होगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ध्यान ये दीजिएगा कि अगर व्यक्ति की बात किया जाए, नागरिक की बात किया जाए, तो नागरिकों की भूमिका सर्वोत्तम होती है, यानी यहां पर व्यक्तियों की भूमिका सर्वोत्तम होगी। जो भी प्रोडक्शन होगा वह इन्हीं को देख करके प्रोडक्शन होगा, यानी बाजार में नागरिक की भूमिका सर्वोत्तम। क्यों सर्वोत्तम होगी, कहा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नागरिक एक राजा के समान होता है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि अभी जियो का सिम, जियो ने क्या किया कि जो विभिन्न प्रकार की जियो भी था, आइडिया भी था, यूनिनार, टेलीनार, इतनी ढेर सारी कंपनियां, बाजार में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन होता है, बाजार में क्या है ज्यादा, तो बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होगा। इस अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है, और जिस अर्थव्यवस्था में कंपटीशन जितना ज्यादा होगा नागरिकों के लिए फायदा उतना ही ज्यादा होगा। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन होने के कारण से फायदा कौन उठाएगा ज्यादा, नागरिक। अब अगर जियो की कंपनी ने क्या किया, जियो की कंपनी ने बाजार में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए उसने एक झटके में बोला कि 3 महीने तक जियो फ्री चलेगा, लाभ किसको मिला, नागरिक को मिला। अर्थात कहने का कि बाजार में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज्यादा लाभ किसको मिलेगा, तो नागरिकों को मिलेगा। यानी कहने का कि उत्पादन कौन करेगा, पूंजीपति करेगा या निजी लोग, स्वामित्व किसका होगा आपका, किसका, पूंजीवादी का। किस उद्देश्य से उत्पादन होगा, तो आपका लाभ के उद्देश्य से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका न्यूनतम होगा, नागरिकों की भूमिका सर्वोत्तम होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाजार में कंपटीशन है, और जितना ही ज्यादा बाजार में कंपटीशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, नागरिकों के लिए लाभप्रद होगा। कंपटीशन क्यों ज्यादा है, क्योंकि सभी को मौका मिला है। इस अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए हम क्या है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी वाला है, उसने बड़ी नमकीन की फैक्ट्री बना लिया, हमने छोटी नमकीन की फैक्ट्री, कोई और छोटी कंपनी, ऐसे जब ढेर सारे लोग प्रोडक्शन करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए बाजार में कंपटीशन भी ज्यादा होता है। दूसरा चीज समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में और क्या होगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका न्यूनतम। राज्य कोई व्यक्ति क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हम सबके समाज में, हमारे देश में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो राज्य क्या कर रहा है, तो राज्य उस गरीब व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की सुविधा, उसके लिए भोजन की फैसिलिटी, उसके लिए चिकित्सा की सुविधा आदि का प्रबंध करता है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य ऐसा कोई नहीं काम करेगा, क्योंकि बाजार में कंपटीशन है, हर व्यक्ति को पूरी आजादी होगी, यानी हर व्यक्ति को कुछ भी करने की पूरी आजादी होगी। लेकिन यदि उस व्यक्ति का आजादी का लाभ वो व्यक्ति नहीं उठाता, उस लाभ लेकर के नहीं, उस स्वतंत्रता का लाभ नहीं उठा पाता है, और वह क्या है, अपनी योग्यता को बढ़ा करके अधिक से अधिक कमाने का प्रयास, लाभ प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है, तो उस व्यक्ति की गलती है। राज्य उसके लिए भोजन, राज्य उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधा, राज्य उसके लिए कोई प्रबंध नहीं करेगा। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में डार्विन का एक सिद्धांत है, कौन सा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कौन सा सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत, जो सर्वाइव करेगा वह यहां जिंदा रहेगा, यानी डार्विनवाद लागू होता है। किस अर्थव्यवस्था में डार्विन का सिद्धांत लागू है, तो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत लागू है। यानी इस अर्थव्यवस्था में डार्विन का सिद्धांत कौन सा है, आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। राज्य की अहस्तक्षेप की भूमिका होती है, अहस्तक्षेप।
यानी अहस्तक्षेप यानी राज्य हस्तक्षेप काम में नहीं करेगा। गरीब मर रहा है तो मरने दो, एक मरेगा दो मरेगा अपने आप, फिर सब कोई हर कोई उठने का प्रयास करेगा। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका न्यूनतम रखा जाता है। अगला ये समझिएगा, अब जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगा कि पूंजीवादी राज्य कौन कौन से देश हैं पूंजीवादी, जैसे आपका अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश है, फ्रांस एक पूंजीवादी देश है, जापान एक पूंजीवादी देश है, ऑस्ट्रेलिया एक पूंजीवादी देश है, यानी ज्यादातर जो है विकसित देश पूंजीवादी हैं, यानी ज्यादातर जो विकसित देश हैं वो पूंजीवादी हैं। आज दुनिया में समझिएगा, विश्व में सर्वप्रथम किस अर्थव्यवस्था का उदय होता है, तो विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही उदय होता है। और पूंजीवाद का जनक, पूंजीवाद का जनक किसे माना जाता है, तो पूंजीवाद का जनक किसे माना जाता है, तो पूंजीवाद का जनक मानते हैं हम किसको, जॉन लॉक को। जॉन लॉक को माना जाता है पूंजीवाद का जनक। और पूंजीवाद का घर किसे कहते हैं, तो पूंजीवाद का घर आपका ब्रिटेन को माना जाता है। पूंजीवाद का जनक देश कौन सा है, तो ब्रिटेन हो जाएगा। और व्यक्ति कौन है, जॉन लॉक हो जाएगा। यानी अगर मान लो देश नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछ लिया कि पूंजीवाद का जनक किस महाद्वीप को माना जाता है, तो ब्रिटेन किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है, तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप को, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप को पूंजीवाद का घर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, समानता पर नहीं बल दिया जाता। यानी समानता पर बल नहीं, किस पर बल ज्यादा, स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल, आपका समानता पर सर्वाधिक बल नहीं होता है। यानी हर कोई को, हर नागरिक को, हर व्यक्ति को आपको फ्रीडम अधिक मिलेगा, इक्वलिटी नहीं। इक्वलिटी आप अपने से स्थापित करो। अगर आप जैसे हमारे देश में समानता पर ज्यादा बल दिया जाता है कि जो पिछड़ गया उसको आगे ले आओ, यहां पर किस पर बल, स्वतंत्रता पर। यानी क्वेश्चन पूछा गया किस अर्थव्यवस्था में आपका स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल होता है, तो राइट उत्तर क्या होगा, तो राइट उत्तर होगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार से आपने ये क्या ध्यान दिया, वर्तमान में हो क्या रहा है कि दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा ही आज उन 2019-2020 या लगभग 1991 से लेकर के लगातार पूरी दुनिया में 1991 से पूरी दुनिया में पूंजीवाद का ही बोलबाला, हर देश पूंजीवाद को बढ़ावा ले रहा है, हर देश अपने यहां पर पूंजीवाद को स्थापित कर रहा है। कारण क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यथार्थ पर आधारित है। यथार्थ पर अभी थोड़ी देर बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था का पढ़ेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अगेंस्ट में समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय होगा, क्या उसकी विशेषता है, तब उसके बाद कंपैरिजन करेंगे कौन सी अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, पूंजीवादी या समाजवादी। अब देखेंगे, अब जो दूसरी अर्थव्यवस्था है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन निजी लोग करें, तो वो तो कौन सी अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी थी। अब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का कार्य राज्य या सरकार करता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन राज्य या सरकार करता है, जैसे वहां पर स्कूल खुला तो सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट था पूंजीवाद में,
अस्पताल खुला तो प्राइवेट था, वहां पर सड़क बना तो प्राइवेट था, वहां पर फैक्ट्री लगा तो प्राइवेट था, यहां सब कुछ यानी सब कुछ सरकारी होगा। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन जो होता है वह सब राज्य या सरकार के द्वारा किया जाता है, तो स्वामित्व फिर किसका होगा? यानी किसी भी स्वामित्व, जो फैक्ट्रियों पर स्वामित्व किसका होगा, स्कूल पर स्वामित्व किसका होगा, अर्थात किसका होगा? तो राइट उत्तर आपका होगा किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें स्वामित्व राज्य या सरकार पर सरकार का हो, उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन राज्य या सरकार के द्वारा किया जाता है, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लाभ किस पर्पज से होगा, यानी जो प्रोडक्शन जो किया जाएगा वह किस पर्पज से होगा, यानी उत्पादन करने का उद्देश्य क्या होगा, तो उत्पादन करने का उद्देश्य जन कल्याण करना होता है। यानी जो सड़क बनेगी, जो बिजली का प्रोडक्शन होगा, जो स्कूल खुलेगा, जो अस्पताल खुलेंगे, वो सब किस पर्पज से, तो जन कल्याण, लाभ के पर्पज से नहीं, किस पर्पज से होंगे, तो जन कल्याण के पर्पज से। यानी आपका इस अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन होता है, वहां लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जब उदय है, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अगेंस्ट में शुरू होता है। और इसका कंसेप्ट रखा था एक जर्मनी का एक विद्वान था, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स नामक विद्वान ने एक किताब लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक किताब में उसने यह बताया कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वह शोषण मूलक अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करता कौन है, जो पूंजीपति है, क्या वो प्रोडक्शन करता है, क्या वो मशीन चलाता है, क्या वो मजदूरी करता है? नहीं, एक्चुअल में मजदूरी उत्पादन करने वाला व्यक्ति तो कौन है, पूंजीपति है क्या? नहीं, मजदूर है। जो उत्पादन करने वाला है वह श्रमिक है। वो तो आपका श्रमिक होता है, यह तो केवल कंपनी को चलाने का काम करता है, इन्वेस्टमेंट किया है ये, लेकिन एक्चुअल में उत्पादन मेहनत करता है ये, लेकिन इसकी मेहनत से ये मालोमाल होता है और पूरी संपत्ति। यानी पूंजीपति आपका अच्छे टॉप क्लास के आवास में रह रहा है, अच्छी सुख सुविधा वाला जीवन जी रहा है, किसके बदौलत, श्रमिक के बदौलत, लेकिन इसको क्या मिला, ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, ये इसका जीवन अच्छा नहीं है। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है, अर्थात इस शोषण मूलक अर्थव्यवस्था को उखाड़ के फेंक दो। यानी इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक दुनिया से शोषण खत्म नहीं होगा, इस शोषण को खत्म करना होगा। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने क्या किया, एक नई अर्थव्यवस्था का आधार रखा, और वह अर्थव्यवस्था थी समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी अगर पूंजीवादी को खत्म करोगे तो कौन लाओगे फिर, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें सब कुछ राज्य करेगा, कोई पूंजीपति होगा ही नहीं, कोई प्राइवेट होगा ही नहीं, सब कुछ सरकारी होगा, हर कोई को रोजगार मिलेगा, कोई गरीब नहीं होगा, सब कुछ भोजन सामूहिक रूप से लोग करेंगे, अर्थात सब कोई को काम, हर कोई को भोजन, हर कोई को अच्छा जीवन, हर कोई को अच्छा पेंशन, हर कोई को अच्छा वेतन, सबको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। अगर सोचिए कि आपने खुद भी प्रैक्टिकली देखा कि अगर हर कोई को रोजगार, हर कोई को, तो काम कौन करना चाहेगा फिर? आपको अभी आपने प्रैक्टिकल देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो घाटे में चल रहे हैं, और जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो हर स्कूल फायदे में चल रहा है। क्यों फायदे में चल रहा है? उसका कारण ये है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें नौकरी जब मिल गई तो फिर निश्चिंतता आ जाती है कि चलो अब तो वेतन आएगा ही, अब तो पेंशन मिलेगा ही, अब तो स्वास्थ्य फैसिलिटी मिलेगा ही, अब तो लोन मिल ही जाएगा, अर्थात कंपटीशन खत्म। और जहां कंपटीशन खत्म वहां पर लाभ भी खत्म। समाजवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति के विकास के दृष्टिकोण से तो बेहतर है,
सब कोई को रोजगार, हर कोई गरीब नहीं, बेरोजगार नहीं, सबको काम, सबको भोजन, जाति व्यवस्था नहीं, यहां पर धर्म नहीं होगा। काल मार्क्स कहता है धर्म तो अफीम है, यानी जैसे धर्म की आपका धर्म में क्या होता है कि श्रमिकों को धर्म की चाशनी चटाई गई है कि तुम गरीब क्यों हो, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अच्छा काम नहीं किया था। ये पूंजीपति अमीर क्यों है, क्योंकि इसने पूर्व जन्म में अच्छा काम किया इसलिए अमीर है, और इसलिए तुम ये जन्म अच्छा करो। इसका मतलब यह कि इनके खिलाफ में कुछ मत खड़े हो, इनका सम्मान करो, बड़ों का आदर करो, जाके मंदिर में दक्षिणा, गुरुद्वारा में जाकर के, चर्च में जाकर के अच्छा चढ़ोतरी करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, अगला जन्म अच्छा होगा। ये अफीम, जैसे अफीम जब पी लिया तो जिंदगी में भले बहुत कष्ट हो, आपका जब तक नशा रहेगा तब तक आपको जिंदगी में लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है। अर्थात वही कार्ल मार्क्स ने बोला कि धर्म तो अफीम है, अर्थात कहने का कि समाजवादी अर्थव्यवस्था तो अच्छी, नो डाउट बेटर व्यवस्था है, लेकिन व्यवहारिक क्यों नहीं है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में सबको रोजगार, सबको काम, सबको वेतन, सबको पेंशन, अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, बाजार में कंपटीशन कम हो जाता है, और जब बाजार में कंपटीशन कम, क्योंकि उत्पादन करने वाला कौन होगा, उत्पादन करने वाला केवल एक, सोचिए बीएसएनएल ही केवल रहा होता तो रुला देता। बीएसएनएल की सर्विस आज इस कंपटीशन के दौर में भी क्या है, कैसी चल रही है आप सबको पता है, लेकिन बाजार में प्राइवेट सेक्टर जियो आगे जा रहा है, एयरटेल आगे बढ़ता जा रहा है, बीएसएनएल घाटे में जा रहा है। यानी सरकारी कंपनियां क्यों घाटे में जा रही है, क्योंकि इसका इसमें कंपटीशन नहीं है, अर्थात जहां कंपटीशन घटा वहां पे अर्थव्यवस्था में, अर्थात ध्यान दीजिएगा समाजवादी ऐसी अर्थव्यवस्था को कहेंगे जिसमें उत्पादन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, स्वामित्व राज्य सरकार का होता है, उद्देश्य किसको होगा, जन कल्याण से, राज्य की भूमिका इसमें कैसी होगी, राज्य की भूमिका ज्यादा या कम। जब सोचिए राज्य ही तो सब कुछ कर रहा है तो राज्य की भूमिका ज्यादा होगी, यानी राज्य की भूमिका अधिकतम, और अगर राज्य की भूमिका अधिकतम होगी तो स्वतंत्रता ज्यादा मिलेगी या कम, तो स्वतंत्रता इसमें ज्यादा नहीं, स्वतंत्रता ज्यादा नहीं मिलेगा, हाँ समानता ज्यादा मिलेगा, इक्वलिटी पर फोकस ज्यादा करता है ये अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता पर नहीं, स्वतंत्रता पर अधिक बल नहीं होता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा ज्यादा या कम, प्रतिस्पर्धा होगा ही नहीं, प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं, क्योंकि उत्पादन करने वाला केवल और केवल, यानी एक स्कूल होगा वो सरकारी स्कूल, दो स्कूल होगा ही नहीं कि आप कंपटीशन कर सको, यू वाले स्कूल में पढ़ेंगे, नहीं एक स्कूल में पढ़ना है, एक अस्पताल में ही जाना है, एक ही आपको फैक्ट्री का माल लेना है, अर्थात बाजार में कंपटीशन का माहौल नहीं होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की संकल्पना किसने दिया, तो आपको राइट उत्तर होगा कार्ल मार्क्स ने, और इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। और ध्यान दीजिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था नो डाउट अच्छी तो है, लेकिन व्यवहारिक नहीं होने के कारण से यह बहुत अच्छा नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ, यह समाजवादी अर्थव्यवस्था विश्व में पहली बार कार्ल मार्क्स का ही चेला था लेनिन। लेनिन एक विद्वान था, कहां का रहने वाला, रूस का रहने वाला था, रूस का रहने वाला, और सबसे पहली बार जो है कार्ल मार्क्स तो अपने जीवन में केवल किताबें लिखा, उसको लागू नहीं कर पाया, लेकिन लेनिन जो विद्वान था उसने, ये वहां का शासक था रशिया का, और उसने वहां पर बोल्शेविक क्रांति के बाद में रशिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट रखा। यानी अगर क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में समाजवादी अर्थव्यवस्था की संकल्पना कहां पे लागू हुआ, तो उत्तर आपको देना है रूस में। कहां, किसने लागू किया, तो लेनिन नामक विद्वान ने लागू किया। यानी रशिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत तो हो गई, आधार रखा। रशिया के बाद में चाइना भी समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया, क्यूबा बन गया, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, कई ऐसे देश इसके उदाहरण बने। लेकिन जो अगुआ देश था, यानी जो रशिया, जिसको यूएसएसआर भी कहा जाता था, जहां पर वर्ष 1917 ईस्वी में समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुआ, वह अर्थव्यवस्था वर्ष 1991 में जाकर टूट गया। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता देश रशिया,
बिना किसी युद्ध के, बिना किसी लड़ाई के लगभग कितने 15 देशों में रूस टूट गया। एक दो देश नहीं, 15 देशों में भारत का एक विभाजन हुआ है कि भारत वर्ष 1947 में भारत से टूट करके पाकिस्तान बना। अभी भी दर्द होता है कि उस पाकिस्तान को अपने इंडिया में मिला लिया जाए। रसिया का, जिसको पहले यूएसएसआर कहा जाता था, पूर्व सोवियत संघ होते थे, उस देश से 15 देश टूट गए। और ये कभी बहुत दिन नहीं हुआ, 1991 की बात है। सोचे कि अगर ये देश टूट गया, जो दुनिया का समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाला देश था वह टूट गया, तो क्या दुनिया में कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश बचेगा? क्या नहीं बचा। वर्ष 1991 के बाद इस समय दुनिया में केवल एक अर्थव्यवस्था चल रही है, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्यों चल रही है? क्योंकि वो यथार्थ पर बल देती है कि बाजार में प्राइवेट लोगों को, अगर हम स्कूल खोलेंगे तो उसको हमारा केयर करेंगे, मास्टर अब्सेंट हो रहा है, टीचर अब्सेंट हो रहा है, उसको पनिशमेंट करेंगे, अगर वो क्वालिटी नहीं दे रहा है तो उसको हम दंडित करके निकाल के अच्छा योग्य व्यक्ति को रखेंगे। अर्थात कहने का, वर्ष 1991 में समाजवादी अर्थव्यवस्था भरभरा के गिर गया, टूट गया, बिखर गया, इसलिए अर्थव्यवस्था भी खत्म हो गई। ध्यान दीजिएगा, भारत भी, सोचिए भारत का गुरु था ये रसिया, हम भी समाजवादी बन चुके थे, हम भी भारतीय अर्थव्यवस्था भी समाजवादी अर्थव्यवस्था तो नहीं अडॉप्ट किया था, लेकिन समाजवाद की तरफ रुझान था हमारा। हमारा जो दृष्टिकोण था वो रसिया से प्रभावित था कि समाजवादी की तरफ, संविधान में संशोधन करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इंदिरा गांधी के जी के द्वारा जोड़ा गया। अब सोचिए अगर ये अर्थव्यवस्था टूट गई तो भारत का फिर क्या हाल होगा? जब गुरु का यह हाल तो चेला का क्या होगा? अर्थात भारत ने भी तुरंत रंग बदला और भारत ने वर्ष 1991 में एलपीजी को अपना लिया। यानी क्या अपना लिया? एलपीजी। आपके मन में आ रहा होगा कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस को अपना लिया। नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, और जिसका अग्रदूत है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को माना जाता है, यानी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और उन्हीं के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, आपका भारत सरकार के द्वारा भी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हमारा रुझान बढ़ा। हम पूंजीवादी नहीं बन गए, पूंजीवादी तो हम नहीं बने, बट क्या है, पहले जो समाजवादी दृष्टिकोण ज्यादा था, अब हमारा दृष्टिकोण क्या हो गया, हमारा बन गया पूंजीवादी। यानी यहां से प्रश्न से पूछा जाएगा कि यानी एलपीजी का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। यानी दुनिया से समाजवादी की विदाई हो गई। अब जो तीसरी अर्थव्यवस्था, जो तीसरी अर्थव्यवस्था आई उसको देखते हैं, वो कौन सी अर्थव्यवस्था थी? तीसरी अर्थव्यवस्था, जैसा अभी हमने आपको बताया था, तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन निजी लोग एवं सरकार दोनों करें। पूंजीवादी में कौन कर रहा था? केवल निजी। समाजवादी में कौन कर रहा था? केवल सरकार। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन निजी लोग भी करेंगे और सरकार भी करेगी, दोनों का उसमें आपका योगदान होगा। तो स्वामित्व किसका होगा? यानी स्कूल कैसे होंगे? तो स्कूल कुछ प्राइवेट भी होंगे, यानी निजी भी होंगे, और कुछ सरकारी भी होंगे।
यानी जो सरकारी स्कूल होंगे उन पर स्वामित्व सरकार का होगा और जो निजी होंगे प्राइवेट होंगे उन पर स्वामित्व निजी लोगों का होगा। यानी ध्यान दीजिएगा, उत्पादन ऐसी अर्थव्यवस्था, परिभाषा पूछा जा चुका है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन निजी लोग भी करें और सरकार भी करे, उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उत्पादन का उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा, यहां उत्पादन का उद्देश्य जो होता है वह लाभ के साथ जन कल्याण भी होता है। लाभ के साथ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा लाभ भी नहीं कमाने देगी सरकार और बहुत ज्यादा, यानी सरकार का मूल मोटो तो होगा जन कल्याण करना, लेकिन कुछ लोग लाभ भी, तो लाभ के साथ में जन कल्याण करना इस अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर जो विकासशील देश, भारत विकासशील देश है, तो भारत जैसे जो विकासशील देश जब आजाद हुए, तो जब वो आजाद हुए 47 में, और 47 में जो दुनिया थी, 47 में दुनिया विचारधारा के आधार पर दो भागों में विभाजित हो चुकी थी। भारत के सामने एक मॉडल था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रहा था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक दूसरी अर्थव्यवस्था थी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसका नेतृत्व कर रहा था कौन, यूएसएसआर, जिसको जिसको क्या बोलते हैं, तो जिसको बोला गया रसिया भी बोलते। जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया को वो देख क्या रहा है कि दुनिया विचारधारा के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक समाजवादी। अमेरिका बोल रहा है भारत से, यानी विकासशील देशों से, कि तुम पूंजीवादी अपना लो। भारत पूंजीवादी कैसे अपना लेता, कि भारत में मुट्ठी भर केवल पूंजीपति थे, टाटा बिरला जैसे केवल घराने थे, तो भारत पूंजीपति तो थे ही नहीं। तो भारत अगर राज्य यानी प्राइवेट सेक्टर के हवाले करता तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था शुरू में ही गड़बड़ हो जाती। तो भारत इस अर्थव्यवस्था को अपना नहीं सकता था, क्योंकि भारत में क्या दिक्कत था कि भारत में पूंजीपति 1947 में नहीं थे। अंग्रेज यहां पे, ब्रिटिशर्स जब तक यहां पे रहे तब तक उनका उद्देश्य था कि ब्रिटेन से माल बन करके भारत में आए, भारत को मंडी बना करके रखा, यहां प्रोडक्शन करने ही नहीं दिया, इसलिए यहां पूंजीपति उभर ही नहीं पाए। भारत समाजवाद को अपना सकता था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस मुद्दे पर लड़ा गया, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के मुद्दे पर लड़ा गया कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, और यह स्वतंत्रता देता नहीं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में फ्रीडम नहीं है, इक्वलिटी है, फ्रीडम नहीं है। और हमने राष्ट्रीय आंदोलन लगभग 100 साल लड़ा, स्वतंत्रता के लिए लड़ा, तो यहां स्वतंत्रता नहीं, इसलिए तुमको भी नहीं अपना सकते। यानी आपके यहां लोकतंत्र नहीं, आपके यहां स्वतंत्रता नहीं, इसलिए आपको हम अपनाएंगे नहीं। हमें चाहिए थी आजादी, हमें चाहिए थी फ्रीडम, हमें चाहिए थी डेमोक्रेसी, जो आपके पास में नहीं है। परिणाम क्या, न तो हम आपको अपना सकते थे और न आपको अपना सकते थे। दूसरा एक प्रॉब्लम एक और भी था कि अगर हम पूंजीवाद को अपनाते तो अमेरिका तो बहुत खुश होता, लेकिन रसिया नाराज हो जाता। पूरी दुनिया जो है इस समय दो विभागों में बढ़ गई थी, और इन दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध की विचारधारा चल रही थी। हमने क्या किया, हमारा उद्देश्य था कि आपसे भी हमारी दोस्ती बनी रहे और आपसे भी दोस्ती बनी रहे, क्यों दुश्मनी ले भाई। अगर आपसे कुछ संसाधन मिल सकता था तो आपसे भी कुछ हमको धन मिल सकता था, इसीलिए हमने एक मध्य का रास्ता अपनाया। हमने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। यानी अधिकांशतः विकासशील देशों में ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। उनका अपना कारण भी था कि ये दुनिया दो भागों में विभाजित थी तो दुश्मनी क्यों फालतू में लिया जाए। दूसरा एक आर्थिक कारण भी थे उसके, कि कहीं ना कहीं हमारे देश में क्या नहीं थे, पूंजीपति लोग नहीं थे। दूसरी, समाजवाद को हमने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि यहां पर स्वतंत्रता नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं था।
अर्थात भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, अगर विकासशील देशों में अगर बात किया जाए कि विकासशील देशों में सर्वप्रथम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश कौन सा है तो उत्तर होगा भारत। लेकिन विश्व में पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला जो देश था वह फ्रांस है। विश्व में पहली बार समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था को फ्रांस ने अपनाया था, और विकासशील देशों में सर्वप्रथम पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया, तो राइट उत्तर होगा किसने, भारत ने अपनाया। तो देखें मित्रों, अगर बात कर लिया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। बार बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, वेनेजुएला, आपका अफ्रीका के ज्यादातर देश, एशिया के ज्यादातर जो देश हैं वो सब मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले ही देश हैं। तो आपने स्वामित्व के आधार पर यह अर्थव्यवस्था का विभाजन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पार्ट को देखेंगे। थैंक यू।